Guys and welcome to today's video in which we are going to discuss our chapter number first of political science SST class 8. So now let us start reading our chapter. So hamara chapter ka kya naam hai? Our chapter's name is the Indian Constitution. Obviously aapko name se hi pata chal gaya hoga ki we are going to discuss about the Indian Constitution in this chapter. So our chapter starts off by a simple comparison between game and the Indian Constitution. तो आपको फुटबॉल के गेम के बारे में तो पता ही होगा, है ना? तो इसमें जैसे देखो, जैसे फुटबॉल में रूल्स होते हैं कि इनको हाथ से टच नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं उसके सारे सिटीजन्स को फॉलो करना. तो वही जब रूल्स का एक सेट बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एंड ये जो रूल्स होते हैं वो एक बुक में रिटन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ वी विल रीड अबाउट दैट व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. सो बेसिकली जो आजकल मतलब लगभग सारी कंट्रीज़ का एक अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो डेमोक्रेटिक हो. डेमोक्रेटिक मतलब जो लोगों के हिसाब से कंट्री चलती है, जो वहाँ के सिटीजन्स रहते हैं उनके हिसाब से कंट्री चलती है. अब भी अगर किसी एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही होगी. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज़, के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पर्पजेज़ होते हैं. फर्स्ट पर्पज़ क्या है कि वो लेआउट करता है आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. के फर्स्ट उसका पॉइंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि जो आइडियल्स हैं कि हम क्या इच्छा रखते हैं कि हमारी कंट्री कैसी हो, कि जिस तरह की कंट्री में हम रहना चाहते हैं वो कैसी हो. और अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एक फंडामेंटल नेचर हमारी सोसाइटी का क्या होना चाहिए. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल बी द फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी का एक फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए. एंड अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट बी नेसेसरी एग्री ऑन ऑल द इशूज़. अभी ये भी आपको पता ही है कि एक जो कंट्री है उसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एंड ज़रूरी तो नहीं है कि सब एक ही रूल पे अग्री करें, ठीक है? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हेल्प करता है, और कि वो हेल्प करता है टू सर्व अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न्ड. कि वो एक सेट ऑफ रूल्स देता है हमें जिसपे सारे सिटीजन्स ऑल ओवर द कंट्री कैन अग्री अपॉन, एंड कंट्री को आगे लेके जाया जा सके, कंट्री की तरक्की हो सके. एंड this includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. अभी इसमें government के बारे में ही नहीं लिखा है, इसमें country के बारे में भी लिखा है कि country को कैसा होना चाहिए. Then the next one is, let us try and understand what we mean through these two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम नेपाल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स किए थे टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची. मोनार्ची का क्या मतलब होता है कि वो उसको एक किंग कंट्रोल करता था, ठीक है? उसकी जो सारी पावर थी पूरे देश की किसके हाथों में थी, किंग के हाथों में थी. एंड द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, के जो नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था विच हैज़ बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी, के जो फाइनल कंट्रोल है पूरी कंट्री का वो किसके हाथों में है, वो किंग के हाथों में है. एंड एक पीपल का मतलब सारे लोगों का एक स्ट्रगल हुआ था इन नेपाल दैट फाउट फॉर सेवरल डेकेड्स, मतलब बहुत सारे टाइम के लिए स्ट्रगल हुआ था उनका. एंड फाइनली इन 2006 दे सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग. कि फिर 2006 में किंग ने मतलब किंग को रिजाइन करना पड़ा था, एंड किंग की पावर्स चली गई थी, और यू कैन से कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई थी. एंड नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. अभी पहले नेपाल क्या थी, मोनार्की थी, उसमें जो सारे रूल्स थे वो किंग के हिसाब से थे, ठीक है? अभी जब भी उसको नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था तो जो उसके रूल्स होने चाहिए, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो लोगों के हित में होना चाहिए, इसलिए नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया. इज़ बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट. अभी जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि
उसमें लोगों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था कि लोग कैसी कंट्री चाहते हैं, एंड लोगों के हित में रूल्स नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फैसला किया। अभी देखो जैसे फुटबॉल के गेम में, इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, कि अगर जैसे फुटबॉल का गेम है ठीक है, अगर उसमें एक रूल चेंज हो गया तो पूरी गेम ही चेंज हो जाती है। वैसे ही नेपाल, वो अभी किससे मूव कर रही थी, इट वॉज मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इसीलिए उसके जो सारे रूल्स थे, उसकी जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसको चेंज करना पड़ा था इन ऑर्डर टू अशर इन अ न्यू सोसाइटी, इन ऑर्डर टू अशर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसीलिए क्या था, जो पीपल थे नेपाल के, वो मतलब देवर इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लग गए थे कंट्री के लिए। एंड द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलैबोरेट्स नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। कैप्शन अलॉन्ग साइड मतलब ये वाला जो सारा है, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, कि द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। अभी ये तो हमें पता है कि जो नेपाल के मतलब लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी देर वॉज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990 में, एक मतलब सारे लोगों का स्ट्रगल हुआ था, जिसने फाइनली 12 ईयर्स के बाद इन 2002 that established democracy for 12 years after 2002 के 2002 के बाद 12 ईयर के बाद जो है नेपाल ने डेमोक्रेटिक कंट्री इस्टेब्लिश किया था। एंड 2002 में किंग गयनेन्द्र, जो नेपाल का रूलर था, जब मोनार्की थी नेपाल तो उसका रूलर था किंग गयनेन्द्र, तो इन 2002 किंग गयनेन्द्र साइटिंग मोइस्ट अप्रेजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन बिगिन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद आर्मीज असिस्टेंस। अभी फिर किंग ने फिर फाइनली क्या किया कि द किंग फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन 2005 के, फिर किंग मतलब हेड बन गया गवर्नमेंट का इन 2005। एंड फिर नवंबर 2005 में द मेओइस्ट जॉइंड अदर पोलिटिकल पार्टीज टू साइन अ 12-point अग्रीमेंट, मतलब एक 12-point का अग्रीमेंट हुआ ठीक है, उसमें जैसे 1, 2, 3 ऐसे 12-point का अग्रीमेंट हुआ। दिस अग्रीमेंट सिग्नल टू लार्जर पब्लिक एमिनेंट ऑन रिटर्न, तो उसमें क्या था, इट वॉज एन एमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एट पीस, तो क्या सिग्नल करता था, एन एमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। फिर 2006 में क्या हुआ, दैट द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेमिंग इमेंस फोर्स, कि जो डेमोक्रेसी का जो मूवमेंट था 2006 में, उसने मतलब बहुत ज़्यादा पेस आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। एंड जो लोग थे उन्होंने मतलब रिफ्यूज़ कर दिया था द स्मॉल कंकेशंस दैट द किंग मेड, एंड फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। फिर उसने क्या किया, थर्ड पार्लियामेंट को मतलब बोला कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करो जो गवर्नमेंट बनेगी ठीक है। फिर क्या हुआ 2007 में क्या हुआ, नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, एंड द अबव फोटो शो सीन्स फ्रॉम पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006, जो उनकी फाइनल फ्रीडम मतलब फाइनल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल थी इन 2006, उसकी फोटोज़ ये सब हैं ओके। अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक कंट्री का, एक किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि पहले जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बताता था, कि जो कंट्री है वो किंग के द्वारा ही रूल की जाएगी, एंड उसके जो मिनिस्टर्स है, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके द्वारा ही रूल की जाएगी। एंड इन कंट्रीज that have adopted a democratic form of government or polity, polity मतलब government ही हो गई एक हिसाब की, कि जो countries जिन्होंने एक democratic form की government या फिर polity adopt की थी, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines, कि जिन countries का एक democratic form का government है, तो constitution उन countries में एक बहुत ही ज़्यादा important role play करता है in laying out certain important guidelines, certain important rules for the governor and the government itself, that govern decision making with these societies, जो government के जो decision making होते हैं उसको control करते हैं या फिर उस पर थोड़े से prohibition लगाते हैं। Then in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf, के जो democracy है उसमें और क्या होता है कि हम अपने leaders खुद चुनते हैं कि कौन rule करेगा country को, हम खुद चुनते हैं on our behalf, and however there is always possibility कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि जो लीडर है जिसको हमने चूज़ किया है वो अपनी पावर को मिसयूज़ करेगा, वो अपनी पावर का मतलब गलत इस्तेमाल करेगा,
एंड इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ रूल्स देता है, वो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स देता है. इट प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस एंड दिस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोंस्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो. के जब भी कोई भी पावर का मिस यूज करता है तो मतलब एक इंसान को मतलब इंसाफ नहीं मिल पाता है, किसी को भी इंसाफ नहीं मिल पाता है अगर कोई भी अपनी पावर का मिस यूज़ करता है. तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है. इसमें क्या होता है कि जो सुरेश है वो क्लास का मॉनिटर है एंड ही इज़ अ बुली, मतलब वो दूसरे बच्चों को तंग करता है एंड उसके जो क्लासमेट्स हैं मतलब उसके मतलब फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते एंड हमेशा मतलब उससे दूर दूर ही रहते हैं. तो फिर क्या हुआ, जो एक दिन मिसेज राव थी जो उनकी क्लास टीचर हैं वो क्लास को लीव कर देती हैं ऑन सम अर्जेंट वर्क, उन्हें कुछ काम आ जाता है तो वो क्लास को लीव कर देती हैं एंड फिर वो सुरेश को पूछती हैं कि तुम मतलब थोड़ी सी देर के लिए क्लास को कंट्रोल करो. यही होता है ना, जब टीचर बाहर जाती है तो मॉनिटर क्लास को कंट्रोल करता है. तो फिर क्या होता है, अभी बाद में देखिए कि अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव. के फिर क्या बोलता है सुरेश कि मैं तुम्हें आज मतलब मिसेज राव को रिपोर्ट कर दूंगा. फिर अनिल क्या बोलता है, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया. बट फिर जब व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेज राव क्लास में वापस आती हैं तो सुरेश क्या बोलता है कि मैम व्हाइल यू वर अवे, कि जब तुम मतलब बाहर गए थे, आप बाहर गए थे तो अनिल मतलब बहुत ज़्यादा लाउडली क्लास में बातें कर रहा था एंड पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था एंड मेरी बात नहीं सुन रहा था कि तुम चुप हो जाओ. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 times. अभी देखो यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है ना, बिकॉज अनिल ने कुछ भी नहीं किया था बट फिर भी उसे पनिशमेंट मिली. किसकी वजह से, सुरेश की वजह से, बिकॉज ही यूज्ड हिज पावर्स इन अ रॉन्ग वे, उसने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया. ठीक है, अभी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स. के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कुछ मतलब वो कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है हमें जिससे अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सके. एंड इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. के इनमें से जो लॉज हैं मतलब ज़्यादातर लॉज किस सेक्शन में है, फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में है. डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम क्लास 7 बुक, की आपने क्लास 7 बुक का वो चैप्टर याद है जिसमें हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बात की थी, जो एक दलित स्टूडेंट था एंड उसको मतलब लॉन में झाड़ू मारने के लिए मजबूर किया गया था. रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दैट? सो इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित. तो हमने उस चैप्टर में बात की थी कि ओम प्रकाश को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़े थे, भेदभाव फेस करना पड़ा था जस्ट बिकॉज ही वॉज अ दलित. एंड अभी आप पढ़ रहे हो ना कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ. कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके लिए क्या बताता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट जेंडर लिंग के ऊपर एंड वो कहाँ पे जन्मा है, किस फैमिली में जन्मा है, उसके ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना इज़ इलीगल, इज़ अ क्राइम. एंड द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमारे पास राइट्स हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कंप्लेंट्स करा सकते हैं. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स दैट वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. So now here we are going to read another story, but first we will read this para. That एक और important function क्या है constitution का, कि वो ensure करती है कि एक dominant group does not use its power against others, less powerful people or groups. के अभी देखो, अगर एक कोई भी group है, ठीक है, उसमें ज़्यादा लोग हैं and एक group है जिसमें कम लोग हैं and कम पावर है, तो वो ये इंश्योर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके ग्रुप के पास कम पावर है उसको उसके साथ इनजस्टिस ना हो. ठीक है, उसकी भी मांगे मानी जाएंगी. एंड द स्टोरी बोर्ड, अभी हम लोग स्टोरी ये रीड करने वाले हैं जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल. द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, कि ये भी एक स्कूल की घटना है जिसमें गेम्स पीरियड जो होता है ना, ग्राउंड पीरियड, वो शुरू हो गया है. एंड फिर लड़कियां क्या बोलती हैं कि चलो हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं टुडे फॉर अ चेंज. बट फिर लड़के क्या बोलते हैं, नो वी विल प्ले क्रिकेट.
अभी द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम्स विद अ शो ऑफ हैंड्स, मतलब वो क्या करती है, वो बोलती है कि जिनको क्रिकेट खेलना है वो हैंड रेस करें, जिनको बास्केटबॉल खेलना है वो हैंड रेस करें। तो इसीलिए फिर बॉयज़ की, अभी जैसे मैंने बताया कि बॉयज़ की मेजॉरिटी थी, मतलब उसमें ज़्यादा लोग थे, बॉयज़ के ग्रुप में ज़्यादा लोग थे, इसीलिए मिनोरिटी के साथ अभी इंजस्टिस हुआ या फिर नहीं, है ना, इंजस्टिस हुआ ना, तो फिर बॉयज़ क्या बोलते थे कि हम जीत गए हम जीत गए। बट फिर गर्ल्स क्या बोलती है कि ऑब्वियसली तुम्हें जीतना ही था बिकॉज देयर आर मोर बॉयज़ इन क्लास देन गर्ल्स। अभी फिर दो गर्ल्स आपस में बात कर रही हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, दे आर इन अ लार्ज नंबर, दे आर इन अ बिग नंबर देन अस, एंड मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक आवर डिसीजन सो दैट आवर विशेज वर ऑल्सो हर्ड, के मैम को मतलब कुछ और तरीका सोचना चाहिए जिससे हमारी भी मांगें पूरी हो सके, जिससे हमारी भी जो कुछ इच्छाएँ हैं वो पूरी हो सकें। अभी देखो दीज अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अक्कर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू, कि ये जो सिचुएशंस है, ये जो ऐसी सिचुएशंस है, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं जहाँ पे एक मेजॉरिटी मतलब अपनी पावर को मिसयूज़ करके इट कैन एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड मिनोरिटीज़ एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कि वो कुछ सर्टेन मतलब आइडियल्स दे सकती है जो मिनोरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो इस वे में मिनोरिटी के साथ क्या होता है, मिनोरिटी के साथ इनजस्टिस होता है। अभी जैसे हमने ऊपर वाली स्टोरी पढ़ी थी तो एवरी सोसाइटी मतलब हर सोसाइटी को ये टायरनी झेलनी पड़ती है ऑफ द मेजॉरिटी, टायरनी मतलब जब वो पावर को मिसयूज़ करते हैं तो इस स्वभाव को उन्हें झेलना पड़ता है ऑफ़ द मेजॉरिटी। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब यूजुअली रूल्स होते हैं टू इंश्योर दैट मिनोरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी, के मिनोरिटी को कुछ सर्टेन बेनिफिट्स ना मिले एंड मेजॉरिटी को वो सारे बेनिफिट्स मिले। तो एक और रीज़न क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, वो ये है कि इस इनजस्टिस को रोका जा सके बाय डोमिनेटिंग द मिनोरिटी बाय द मेजॉरिटी, एंड दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, i.e. इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन ऑन मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी i.e. इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, के ये जो इनजस्टिस है कि जो ज़्यादा लोगों की मतलब एक मेजॉरिटी है वो मिनोरिटी के इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देती है, मिनोरिटी के इंटरेस्ट को नहीं सुना जाता है एंड इनजस्टिस होता है। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एट द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न, के थर्ड रीज़न क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, वो ये है सेव अस फ्रॉम आवर सेल्स, कि हम अपने आप को खुद से ही बचा सकें। ये मतलब आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, हमें खुद को खुद से बचाने की क्या ज़रूरत है। इससे मतलब है कि वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट अवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस, कि हमें कभी भी एक ओपिनियन के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हम फील करते हैं किसी भी एक इशू के बारे में जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट को ठेस पहुंचा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। अभी आपको स्टोरी से क्लियर हो जाएगा कि ये सब किसके बारे में है। सो शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, फिक्स मतलब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उसके पास एक डिसीजन है मेक करने को। सो फिर शबनम क्या बोलती है कि मतलब वो अपने मन ही मन में सोच रही है कि मेरे पास दो चैप्टर्स है लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट, के कल उसका टेस्ट है एंड उसके पास दो चैप्टर्स है रिवाइज करने को, बट इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम। फिर वो और क्या सोचती है कि वो मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का टाइम भी है कि जब मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम चल रहा है एंड आई एम डाइंग टू वॉच इट, कि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं उसे देखूँ, बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन, बट अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा टू रिवाइज माई टेस्ट। अभी देखो आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखो, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल गो विद द रिविजन बिकॉज रिविजन इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरिड, कि शबनम तुम इतनी वरिड क्यों हो। देन फिर शबनम क्या बोलती है कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट हैव अ टेस्ट टुमारो, कि मुझे भी ये टीवी प्रोग्राम देखना है बट मेरे पास एक टेस्ट है, और अगर आप सब लोग टीवी मेरे सामने ऐसे करके देख रहे हो तो मेरा भी टीवी देखने का मन कर रहा है। आई हैव एन आइडिया, व्हाट इफ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट, देन आई मे नॉट बी टेंट, कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी आज टीवी ना देखे तो मुझे भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ मुझे भी देखना है शो। तो फिर इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट टू चैप्टर्स। तो फिर वो क्या देख रही है, मतलब फिर वो क्या सोचती है कि अभी मम्मी पापा उसके दोनों टीवी बंद कर देते हैं तो फिर उसकी रिविजन भी कंप्लीट हो जाती है, एंड वो क्या सोचती है कि अच्छा है कि मैंने टीवी नहीं देखा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बच जाते, मेरी बहुत सारी
रिविजन बच जाती रह जाती है. एंड सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस जो हम गलत ले सकते हैं. एंड वी माइट दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन. वो अफेक्ट हो सकता है टू मच लार्जर इशूज़ और मच लार्जर बिलीव्स दैट विल अफेक्ट अवर कंट्री. एंड फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रांग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट. कि वो मतलब ऐसा भी हो सकता है कई सिचुएशंस में कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कई बार क्या होता है लोग सोचने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारी गवर्नमेंट गंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम गंदा है, तो इसीलिए हमें एक इंसान ही चाहिए. वी नीड ओनली वन डिक्टेटर टू लाइक राइट ऑल द रॉन्ग्स दैट अवर गवर्नमेंट हैज़ डन. तो अभी इस मतलब भावनाओं में बह के दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि जो डिक्टोरियल रूल है वो हमारे जो इंटरेस्ट है सारे जो डिक्टोरियल रूल में देखो क्या होता है कि एक बंदा एक इंसान कंट्रोल करता है सारी कंट्री को. देखो मैं आपको मेन एस्पेक्ट बता देती हूँ कि ये डिक्टोरियल रूल बेसिकली होता क्या है. वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट. अभी देखो गवर्नमेंट कितनी बड़ी है, उसमें कितने सारे रूल्स हैं, ठीक है, कितने सारे प्रोहिबिशन हैं ताकि अच्छे से रूल हो सके. बट जैसे मैंने बोला कि लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट गंदी है एंड हमें इसके लिए इसको फिक्स करने के लिए हमें एक डिक्टेटर चाहिए. डिक्टेटर मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर सिर्फ एक ही इंसान होता है जो सारी कंट्री को कंट्रोल करता है एंड उसके पास कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है. एंड अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. इट डज नॉट अलाउ फॉर ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होने देता है. इट डज नॉट अलाउज डिक्टोरियल रूल एंड जो मतलब फ्रीडम है उसके सिटीजन्स की, डिक्टोरियल रूल में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती है, तो उसके जो सिटीजन्स की फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्ट करता है. अभी फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. तो आपने अबव डिस्कशन से मतलब आपको पता चल गया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. तो यहाँ पे क्या है कि लेट अस रिकैप द रीजंस व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी सोसाइटीज़ बाय रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव रीड थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. अभी ये जो सारे रिकॉल्स हैं ये चाहे तो आप खुद कर सकते हो, अगर लिखनी है बुक में तो लिख लो. अभी हमने चैप्टर रीड कर लिया तो ये आप आई थिंक कि खुद कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट देखें कि सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स अनिल हिज क्लासमेट, तो इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिव रूल आएगा कि कोई भी के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पॉलिटी है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल हो गया. सेकंड, अभी अगर हम लोग थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव रूल पे मतलब जाएं कि द गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज़ आर अ मेजॉरिटी इन क्लास. अभी जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इसे प्रोटेक्ट करता है कि मिनॉरिटी के भी इंटरेस्ट को हमें मतलब मौका देना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट को भी वैल्यू देनी चाहिए. तो ऐसे करके आपको रूल्स यहाँ पे लिखने हैं कि कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल्स बाय द रूल स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हम की फीचर्स पढ़ने वाले हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1900 The Indian National Movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. कि जैसे ही 20th century मतलब जब से 1900 की शुरुआत हुई तब से जो struggle है against British for the freedom of India has also begun and was going on for several decades. And during this freedom struggle the nationalists had devoted a great deal of time imagining and planning what a free India would be like. कि जो nationalists मतलब जो freedom fighters थे उन्होंने मतलब अपना काफ़ी time दे दिया कि imagining and planning कि एक free India कैसा होना चाहिए. And जो under the British rule उन्होंने मतलब force कर दिया था India को to obey their rules. They forced Indians to obey their rules and they had a very little role in making. और उनकी जो मतलब freedom थी वो उनके पास बिल्कुल ही freedom नहीं थी. एंड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटी एंड रूल अंडर द कनोलियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस टू बी फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. तो इसीलिए जब भी इंडिया फ्री हुआ, देखो अभी पहले मतलब बहुत सह चुके थे इंडियंस, तो अभी जब इंडिया फ्री हुआ तो उन्हें मतलब ये फील हुआ कि हम ऐसी कंट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें रूल्स सबके लिए इक्वल हो एंड सबका रोल हो गवर्नमेंट में. कि वो कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं इसका बोलने में मतलब उनको पूरी फ्रीडम हो.
हो एंड वॉट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया. तो अभी बचा क्या था, देखो सारे रूल्स वगैरह भी हो गए थे, बट बचा क्या था, एक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए एंड उसको सेटअप कैसे किया जाए इन इंडिया एंड दैट वट रूल्स वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग. सो दिस वॉज not done by one person but by a group of around 300 people who became members of the constituent assembly in 1946. abhi ye jo constitution tha, theek hai, sara constitution matlab sirf ek hi single person ne nahi likha tha ki ye jo matlab sara likha gaya tha ki kaisi ek government honi chahiye, ye ek 300 logo ke group ne likha tha which were elected the members of constituent assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write india's constitution. periodically matlab ek din kuch log chale gaye fir dusre din kuch aur log chale gaye, theek hai, to aise karke matlab alag alag parts of the country ke jinhone alag alag matlab tasheeh sahi hai, theek hai, wo jaate the and they represented a particular part of a country, ठीक है. तो इसीलिए जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो लोगों के हित में ही था. दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके पास एक बहुत ही बड़ा टास्क था. जो कंट्री थी इट वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है. ये हमें सब पता है कि जो हमारी जो कंट्री है वहाँ पर मतलब बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक होते हैं एंड जो सारे लोग हैं वो बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के हैं और उनके जो कल्चर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करना शुरू हुआ था तो इंडिया वॉज ग्रोइंग टू कंसिडरेबल टर्मोइल. द पार्टीशन ऑफ कंट्री इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिमेंट एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमल. कि मतलब जो इंडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट होने जा रहा था. जो इंडियन पाकिस्तान का जो भी मतलब डिवीज़न हुआ था उससे भी इंडिया मतलब काफ़ी बिखर गया था एंड जो कुछ स्टेट्स थी मतलब उनके पास इतना मतलब वेल्थ वगैरह नहीं थी कि उनके फ्यूचर के बारे में कल्पना भी की जा सके एंड जो सोशल या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन थी इंडिया की वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी. एंड ये जो सारे इशूज़ थे प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो सारे इशूज़ थे उनको रिसॉल्व करने के लिए भी काफ़ी सारे रूल्स लिखे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी. तो इसीलिए इसमें जो रूल्स लिखे गए हैं उनमें एक मतलब एक जो रूल है ना एक हाईलाइटेड रूल है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के जो इंडिया की यूनिटी है उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए एंड हमारी जो इंडिया की एक यूनिटी है के सारे लोग बराबर हैं उसका भी ध्यान रखा जाए. एंड द फाइनल डॉक्यूमेंट ये भी रिफ्लेक्ट करता है जो फाइनल डॉक्यूमेंट है कि देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. के जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था उसमें इंडिया की पॉवर्टी कंडीशन को उसकी उसमें इंडिया की जो गरीबी की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के बारे में भी लिखा गया था एंड एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ पीपल मतलब एक और रोल को हाईलाइट किया गया था ऑफ द पीपल इन चूजिंग देयर लीडर्स इन चूजिंग देयर गवर्नमेंट. सो अभी जो की फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ लेंगे. ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.